गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। इस अवधारणा को मूल मंत्र बनाकर आज पर्वतीय क्षेत्रों के आंतरिक भागों से लेकर मेट्रो सिटी तक 8,600 से अधिक जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं। इन केंद्रों पर 1,451 प्रकार की दवाइयां एवं सुविधा पैड सिरिंज जैसे 240 प्रकार के सर्जिकल उपकरण बाजार की तुलना में 50 से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध है। प्रत्येक दिन तकरीबन 10 लाख मरीजों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराते हुए जन औषधि केंद्र पिछले 7 वर्षों में जरूरतमंद लोगों को 13,000 करोड़ रुपए तक की बचत करा पाए हैं। कम दाम में मिल रही दवाइयां गुणवत्ता में सबसे आगे हैं, क्योंकि ये दवाइयां सिर्फ WHO GMP सर्टिफाइड निर्माताओं से ही खरीदी जाती है और साथ ही NABL लैब से जांच करने के बाद ही इसे भारतीय जन औषधि केंद्र तक पहुंचाया जाता है। जन औषधि केंद्र के संचालकों को 5 लाख रुपए तक की सहायता और महिला उद्यमी, दिव्यांग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति, उत्तर पूर्वी राज्य या पर्वतीय क्षेत्रों के आवेदकों को अतिरिक्त 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र मरीजों के सच्चे मित्र बनकर उभरे हैं। सस्ती दवाइयां हर एक नागरिक को निरोगी बनाएंगी और 8,600 से अधिक भारतीय जनऔषधि केंद्र बनाएंगे स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना मना रहा है अपना चतुर्थ जन औषधि दिवस। इस उपलक्ष में 1 मार्च से जनऔषधि संकल्प यात्रा के साथ समारोह की शुरुआत हुई। नई दिल्ली की दिल्ली हाट में जनऔषधि स्टॉल का शुभारंभ हुआ तो भारत के अलग अलग शहरों में सेल्फी बूथ भी बनाए गए। 2 मार्च को माननीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री ने जन औषधि परियोजना के संदेशों से सुसज्जित जन औषधि रथ एवं अन्य प्रचार वाहनों के एक बड़े जत्थे को रवाना किया तो दूसरी ओर जन औषधि केंद्रों पर किया गया मातृशक्ति का सम्मान। 3 मार्च को जहां जन औषधि केंद्रों पर बाल मित्र बनाए गए और माई गॉव पर चल रहे क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। फिर हुई एक शानदार शाम, जलती हुई कंदीले आसमान में उड़ उड़ के जन औषधि की वैभव गाथा गाने लगी। 4 मार्च की सुबह हुई जन औषधि विरासत के साथ हेल्थ हेरिटेज वॉक से दिल्ली में, जिसका नेतृत्व किया माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने, तो श्री भगवंत खूबा जी ने अजमेर से मरुसागर एक्सप्रेस को रवाना किया जो जन औषधि ट्रेन बनकर छुक छुक करने लगी। कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटी में सेमिनार हुए और हजारों लोगों ने जेनेरिक मेडिसिन लेने की शपथ भी ली। 5 मार्च को हजारों युवा जनऔषधि मित्र बने। 6 मार्च को देश भर में जनऔषधि जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया तो वहीं दिल्ली का प्रसिद्ध कुतुब मीनार भी जनऔषधि के रंगों से सराबोर हो गया। आज पुरी में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के समर्थन में सैंड आर्ट बनाया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जन औषधि केंद्र संचालकों एवं लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे एवं हमारा मार्गदर्शन करेंगे।